राज्य मद्रास बंबई और अहमदाबाद से एक एक सामान भी लाके दिए गए उस समय लॉकडाउन पीरियड के अंदर जरूरत थी। सलाम करते हैं चुनावी मेडिकल कॉलेज इन सब स्टाफ का सलाम करता है, सहयोग करता है। मैं माननीय व्यवस्था में उसका साथ की प्रोजेक्ट के अंदर उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चिराई अस्पताल को चुना इस कोरोना की लड़ाई के लिए और सोसाइटी को सर्व करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सेवाएं देने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल थे इस भोपाल शहर के अंदर। आपने हमको चुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ ईमानदारी से, जितनी कोशिश हर मरीज को अपनी जान लगा के बचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी पूरी टीम के जितने लोग हैं, ये एक क्षण भी उसमें आराम नहीं करते। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ, कोरोना क्यूरेबल है, कोरोना इज क्यूरेबल, इसको ध्यान देने की जरूरत है। हमें हम हेल्थ प्रोफेशनल को कोविड-19 से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए कोविड-19 से। वो हमारा दुश्मन, थोड़ा सा दुश्मन है लेकिन दोस्त है। अगर हम उनका ध्यान देंगे, अगर हम कोरोना का केयर करेंगे और एक इंटेंसिव मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, कोरोना हमको नहीं हरा सकता। ये समय पे यहाँ पर बैठे हुए सब लोग और जो 1000 लोग यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं अपनी कोरोना की लड़ाई में, सारे हेल्थ प्रोफेशनल मध्य प्रदेश के या हिंदुस्तान के, उनको सड़क पे आ जाना चाहिए और एक एक सोसाइटी के उस आदमी का काम करना चाहिए, क्योंकि कोरोना क्यूरेबल है। बहुत कम मोर्टैलिटी है उसकी, एक अस्पताल में 1% मोर्टैलिटी दी है, वो लोगों में कहता हूँ ज्यादा है, थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। इट विल हैव लेस देन 0.05 मोर्टैलिटी। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि कोरोना हमारा दुश्मन नहीं है। कोरोना से प्यार करने की जरूरत है और पीड़ित मरीजों के साथ प्यार करने की जरूरत है। कोरोना इज क्यूरेबल है, इसमें डरने की, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी सी इनविजिबल चीज है, बहुत टेम्पररी आती है, 10-15 दिन के अंदर हमारे बिस्तर पे आराम करने से, कुछ विटामिन सी देने से, कुछ जिंक देने से और जितना जल्दी पहुंचाने लोग अब ये ऑक्सीजन थेरेपी से, ये सब मरीज ठीक होते हैं, ये सब मरीज घर जाते हैं। और इस कोविड पेंडेमिक वर्ल्ड के अंदर ये ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, सोसाइटी में जाते हुए लोग मन जीतेंगे और पूरी सोसाइटी को सॉल्व करेंगे। यही मेरी कामना है, यही मैं सोचता हूँ कि कोरोना वायरस की जीत है। आज मंच के माध्यम से मैं ये सबको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना इज क्यूरेबल, इसको ध्यान देने की जरूरत है, इससे प्यार करने की जरूरत है और इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। एक अच्छा डायग्नोस्टिक बैकअप की जरूरत है, सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, एक अच्छा ब्लड बैंक की बैकअप सुविधाओं की जरूरत है और हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग को प्यार की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दादा आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी, हमको इस विश्वास में रखा कि हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले, अपने हर काम में देशभक्ति और समर्पण की भावना रखने वाले, गतिशील, सुवक्ता, प्रतिभाशाली हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से विशेष आग्रह है कि हमारा पथ प्रदर्शन करें। आईडी वन कर लो। आगे ले आओ। मैं करोना में एक आगे मालिक डॉक्टर सबसे आगे है, गोयन का के सम्मान में जोरदार कर्तव्य और जोरदार कार्य। आदरणीय डॉक्टर मेरी पिता जी, डॉक्टर मंगलगिरी जी, डॉक्टर जमाती जी, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी,
और मंत्र आत्मा पूरे जिन्होंने भारत जी की कथा सुनी होगी ना, इस तरह से बिल्कुल डॉक्टर आपके पीछे कदम दर कदम हौसला अफजाई आप सबकी सेवा में रहे। मित्रों, मुझे नहीं मालूम के कोरोना से शरीर के तन पे बीमारी आने से कितना कष्ट होता है, लेकिन कोरोना पेशेंट को हुआ, जिस व्यक्ति को हुआ, जिस बहन बेटी को हुआ, और उसके बाद जो मानसिकता उसके परिवार की होती थी वो उसे अछूत मानता था, उसे देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था, क्योंकि मेरी मान्यता प्रारंभ के दिन से रही कि कोरोना मारक रोग है ही नहीं, ये सिर्फ आपके जो दूसरे रोग हैं उनको सपोर्ट कर ही हमको नुकसान पहुंचा पाए। किसी को डायबिटीज है, किडनी की है, हार्ट की है, वगैरह वगैरह इत्यादि, लेकिन जिस तरह से कोरोना शरीर को जिसको भी करता होगा, पर मेरे हिसाब से कोरोना ने मानसिक रूप से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा। कोरोना पीड़ित व्यक्ति को अशुभ मान लिया जाता था, उनके परिवार के लोग भी उससे एक भूल बनाते थे, देखिए क्यों मैं अच्छा नहीं था। अब भारतीय संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के अंदर तो जैसा मैंने भी पूरी भाभी का उदाहरण दिया, लखनऊ का कदम दर कदम साथ आखिरी सांस तक जाने की क्षमता रखने वाला देश है। इसमें अगर लोग थोड़ी बनाए तो मन आहत और पीने पड़ता है, और ये रोग ही ऐसा था कि उसका मन मजबूत होना चाहिए, जिनकी रोग रोधक क्षमता जिनका आत्मबल मजबूत होगा उनको कोरोना से कर ही नहीं सकता। और इसलिए ये रोग आने के बाद में देखो महामारियां पहली बार हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर नहीं है, महामारी आती रही है और जाती रही है, सरकारें उनसे लड़ती रही हैं, लेकिन पहली बार महामानव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता को लड़ने के लिए प्रेरित किया, वो जनता ने इस लड़ाई को साफ करा, थालियां बजाते जब स्पर्ज बजाते तभी उन्होंने टीका देना किया, तो जनता ने जिस तरह से उन्हें कहा कि आओ थालियां बजाओ, तो लोगों ने बर्तन पूछिए इतनी दूर दिखा, उन्होंने आपको बढ़ाने के लिए एकता दिखाने के लिए धरती डाल के लिए आए, सत्तर आए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो लोगों ने दीवाली मना दी, उसकी दीवाली पूरे भारत के अंदर और इतने पूरे देश के अंदर जला दी, और उसी का कारण था कि उसकी एक आवाज पर 130 करोड़ लोग घुस गए, और वो जो वर्तमान हुआ जनता कर्फ्यू 22 मार्च को पहली बार हुआ, उस 22 मार्च के कर्फ्यू में आज स्थिति देखी के हम सबसे सुरक्षित हो गए। आज जो आप सब यहां पर बैठे हो ठीक होकर जा रहे हो किराई से, आपको मालूम है भोपाल में कुछ 1,300 लोगों के आसपास प्रभावित हुए, और 1,300 में से अकेले किराई से ही 1,000 से ज्यादा ठीक होते गए या रिटायर हो गए। संक्रमितों की संख्या और ठीक होने की संख्या में भोपाल ने अपना एक विकास बनाया, और डॉक्टर भूपेंद्र काले ने अपना एक सम्मान बनाया, और भोपाल के जनता के दिलों में अपना एक स्थान बनाया। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर गया हूं, अरे जो भोजन पर साथ आ गए थे, मैंने उसे भी कहा कि डॉक्टर अमर हो जाऊं, कहा था नहीं डॉक्टर, मैंने कहा इसी तल्लीनता से लगे रहना, इसी सेवा भाव से लगे रहना, मूर्ति लगेगी इस भोपाल के, ये तल्लीनता, ये सेवा का भाव, ये भारतीय संस्कृति को मिलेगा, और कहीं मिलता भी है देखने को, ये कोरोना विश्व में हुआ है, भारत अकेले में नहीं हुआ, जो सबसे ज्यादा ताकतवर देश था, जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान देश था अमेरिका, लाखों में समझे जो सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल था,
लेकिन हम अपनी संस्कृति में अनपढ़ते हैं, हम अपनी सभ्यता में अनपढ़ते हैं। कल्पना करोगे आप लाखों की तादाद में लोग बसों में पैदल ट्रेन से आ रहे हैं और सरकार एक तरफ जनता के लोग आकर उनको भोजन करा रहे, भूखे कह रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, किसी प्रवासी मजदूर को कष्ट नहीं होने दे रहे। ये स्थिति पूरे देश की क्यों बनी? क्योंकि हमारी संस्कृति में कहते हैं कि खुद खाना प्रकृति है, हम भोजन करते हैं, हमारा समाव स्वयं खाना प्रकृति है, खुला के खाना विकृति है, और भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति ने ही आज भारत को जोड़ के रखा। और वही संस्कृति का अगर आप किराई के अंदर आओगे तो वो भाव के कोरोना योद्धाओं के सामने मेरे खड़े कार्यक्रम के संचालक मोहम्मद रिंगियन जी बहन नीचे से बोल रहे थी कि बहुत से मानव लग रहे हैं वहां से आए हुए एलियंस एलियंस लग रहे हैं, जबकि मुझे लगा है कि जैसे एवरेस्ट की छोटी चढ़ के आए बर्फ को मुझे पढ़ाई करते मैंने लोग देखा है तो इसी तरह के कपड़े पहने रहते हैं। और वास्तव में ये अभियान एवरेस्ट की त्रुटि लेता ही था, क्योंकि शरीर से रोग से उगड़ने के अलावा हमें मानसिकता को भी उसको बढ़ावा देना पड़ रहा था, उसकी मानसिकता को भी मजबूत करना पड़ रहा था। ये मानसिकता को मजबूत करने का काम किराई से लेकर प्रधानमंत्री तक है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे शपथ ली शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 22-23 तारीख को उन्होंने शपथ ली रात को 9 बजे और 10 बजे रात को 23 तारीख को सबसे पहली बैठक अगर कोई शिवराज सिंह चौहान ने ली तो वो सिर्फ और कोरोना की, उसके पहले की सरकार में आलोचना कर रहे हैं, ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए आलोचना नहीं कर रहा। लेकिन वास्तव में उसके पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये कोरोना रिकॉर्ड में नहीं आया होता हुई वाली फ्लाइट के धमाके से, तो शायद मध्य प्रदेश में इतना भयावह नहीं होता। इंदौर से ही भोपाल में आया, इंदौर से ही बाकी के मध्य प्रदेश चाहे उठते हो चाहे खंडवा हो बुरहानपुर हो यहां तक कि हमारे भद्रापुर में अगर गया तो इंदौर से गया। लेकिन वास्तव में और धन्यवाद और शालीनाथ जो इनका जिन्होंने नई थेरेपी निकाल कर दी, एक ऑप्टिकल थेरेपी बोलते हैं ना सर, एक नई थेरेपी। मैंने तो जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में हम कॉन्फ्रेंस में जुड़े तब मैंने किराने का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अंदर इस थेरेपी को लेना एक ही बहुत नहीं थी। और वास्तव में यहाँ के भाई ऐसे लोग हो रहे थे जो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाते थे, लेकिन उस थेरेपी के माध्यम से दिशा देने का भी काम मध्य प्रदेश के किराई ने हिंदुस्तान की एक प्रगति को भी किया, एक नई पद्धति। मित्रों एक और बात जो नीचे से अभी आप ही ने कार्यक्रम से पहले देखी कि जो प्रेम देता जो प्रेम रखता है होम्योपैथी एलोपैथी इन सबसे ऊपर सिंपैथी और जो सिंपैथी यहां किराई में लोगों को मिल रही थी जो ठीक होते जा रहे थे वो वास्तव में अनुकरणीय थी। मैं नहीं कहता कि किसी को कभी अस्पताल आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि कोई बीमार न भी हो, लेकिन अगर आते हैं तो किराए जैसी व्यवस्था हो ये जरूर मैं स्वास्थ्य मंत्री के नाते आज संदेश देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था होनी ही चाहिए कि पेशेंट को अपना संपत्ति हो। हमारे यहाँ इसीलिए तो नर्स को नर्स नहीं बोलते चिकित्सक बोलते, यही तो संस्कृति के मार्ग है कि बहन जैसी चिंता करने वाली अगर कोई है तो वो चिकित्सक है, उसको नर्स बोलते ही नहीं, आपको उसको चिकित्सक बोलने लगते, यही संस्कृति को हमको आगे बढ़ाना है, आखिर यही पद्धति को भी आगे बढ़ाना है। भारतीय संस्कृति को जिन्होंने अंगीकार किया लोगों ने स्वीकार किया वहां करोना आए नहीं, ये करोना सिर्फ शहरों में ही रह गया गाँव में नहीं गया, क्योंकि करोना गोबर से लिपा जाता है, घर के अपने घुसने के पहले जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं और घर के बाहर लोग हाथ पैर धोकर ही जाते हैं। और आज भी ये कहा जा रहा सर्दा पत्ता की तरह आज जब वातावरण शुद्ध हुआ प्रदूषण से तो चेहरे पर मास्क लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमने उस सभ्यता और संस्कृति को छोड़ने की कोशिश करी। हम घर के अंदर वैसे ही चले जाते हैं, हम रात देर रात भोजन करते हैं, अरे उस संस्कृति को अपनाओ नहीं होगा, यदि उनकी इच्छा मजबूत रहेगा
रोज रोज अब शक्ति आपकी मजबूत रहेगी। हमारे यहाँ कहते हैं सावन ज्ञानी करोड़ नतीजे भादो ज्ञानी जब तक कीजिए द्वार मास के दो पटवारे जतन जतन से काटो प्यारे आठी कार्तिक आई दिवाली करो गया। अब ये इसीलिए कहा गया कि देर रात का भोजन मत करो, आप अंतर करो, अंतर करोगे तो आप सुख रहोगे। ये संस्कृति को अपनाओ। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 करोड़ 35 ताड़ा के बाद दिए कि चाय से ज्यादा ताड़े को तवज्जो दो। आदिकाल से भी हमारे यहाँ तुलसी काली मिर्च का ताड़ा गाँव के हमारे बुजुर्ग की क्या है, आप भी पियो, अपने सिस्टम को मजबूत करो। आप आज कोरोना से ठीक होते जा रहे हैं, आप ये बतानिए कि आप ठीक हो गए। आपको समाज की मानसिकता को भी ठीक करना है। आज के बाद समाज के अंदर जाके और जो 1000 लोग डॉक्टर आपके खिलाड़ी से ठीकों में गए, मेरी प्रार्थना डॉक्टर गोयलता से कि वो 1000 लोगों के नंबर आपके पास में होंगे। आपका एक व्यक्ति टेलीफोन पर बैठे और उसको पकड़ते हुए एक फोन किए गए कि आप लोग अपने मोहल्ले पूरा पड़ोस में अपने रिश्तेदार नातेदार को पहुंच से बताएं कि कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। इसे सावधानी बरते जिसके कोरोना के चक्र को तोड़ने की कोशिश करें पर डरे नहीं, घबराए नहीं। और जो लोग घबरा गए और जो लोग मानसिक रूप से डर गए उनके डर को निकालने का काम अगर ये कोरोना के योद्धा करेंगे जो चिराई से ठीक होते गए तो समाज के अंदर ये मिसाल भी बनेंगे और समाज के लिए इनका योगदान भी कहलाएगा कि इन्होंने समाज के अंदर एक अज्ञात आशंका से जटित जो देश हो गया है, यह अज्ञात आशंका से जटित जो विश्व हो गया है, उस विश्व को मार्गदर्शन देने का काम सबसे अच्छा व्यक्ति कर सकता है। तो ये कोरोना से पीड़ित समाज के भीतर जो आपने ठीक करके दे दिए वो ही कर सकते हैं। डॉक्टर गोयनका जी और खासकर नीलम भाई, आप दोनों का और आपके चिकित्सकीय स्टाफ का, अस्पताल के सभी डॉक्टर का, नर्सों का, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दुविधा की घड़ी में, इस आपत्ति की घड़ी में आपने जो संबल किराई के रूप में लिया, मुझे नहीं पता डॉक्टर क्यों आपने इसका नाम किराई रखा था, लेकिन फिर आयु का आशीर्वाद इस किराई ने दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और तो छोड़ दो सर, मुझे भी